लुधियाना ब्लास्ट मामले ते डीजीपी चट्टोपाध्याय दा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट कंपलैक्स धमाके नूं 24 घंटिया विच हल किया। धमाका मामले विच मिले कई अहम सुराग, जांच फिलहाल जारी है। धमाके विच मारे गए शख्स की गगनदीप सिंह वजों पछाण हुई है। खालिस्तानी नैटवर्क नाल भी जुड़िया सी गगनदीप सिंह। ब्लास्ट केस के मुलजम का ट्रायल चल रहा है, इस गल का भी जिक्र किया है डीजीपी ने। नशा तस्करी मामले विच मुलजम दी दस दिए कि लगातार जिस तरह के नाल इत्थे गल सामने आई है कि नशा तस्करी मामले विच मुलजम सी मृतक गगनदीप सिंह। साल 2019 विच ड्रग सने काबू किया गया सी। जेल विच बंद गगनदीप दे ड्रग माफिया नाल संबंध सन, यह भी जानकारी साझा की गई है डीजीपी वालों। तो दस दिए कि लुधियाना धमाके नूं लैके कांग्रेसी सांसद का बयान भी सामने आया। तो उस तो पहला दस दिए कि इस पूरे मामले से डीजीपी चट्टोपाध्याय वालों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस मामले नूं लैके जानकारी साझा की गई है। डीजीपी चट्टोपाध्याय ने कहा कि कोर्ट कंपलैक्स धमाके नूं 24 घंटिया विच हल किया गया है। धमाका मामले विच मिले कई अहम सुराग, फिलहाल हर पहलू तो जांच की जा रही है। धमाके विच मारे गए शख्स की गगनदीप सिंह वजों पछाण हुई है। खालिस्तानी नैटवर्क नाल गगनदीप सिंह जुड़िया सी। ब्लास्ट केस के मुलजम का ट्रायल चल रहा है। नशा तस्करी मामले विच मुलजम सी मृतक गगनदीप सिंह। साल 2019 विच ड्रग सने काबू किया गया सी। जेल विच बंद गगनदीप दे ड्रग माफिया नाल संबंध सन, इन्हां तमाम गल्लां दा जिक्र किया गया है डीजीपी चट्टोपाध्याय वालों। उन्हां वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ते इस पूरे मामले नूं लैके जानकारी दी गई है। कहा गया कि जांच लगातार की जा रही है ते मन्या जा रहा है कि आने वाले समय विच कई होर अहम खुलासे होणगे। दस दिए कि 23 दसंबर नूं लुधियाना विखे ब्लास्ट होया ते इस ब्लास्ट दौरान गगनदीप की मौत हुई ते 6 लोग जख्मी हुए। दरअसल बाथरूम विच बंब असैम्बल करते वक्त धमाका हो गया ते उस विच उसकी जान चली गई ते 6 लोग जख्मी हुए ने। उस तो बाद लगातार जांच जारी है ते इस पूरे मामले ते आज डीजीपी चट्टोपाध्याय वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। आज फिर कुछ चैलेंज आ गए ने साडे सामने, जेडे कि वध के उदो सिर्फ अतवाद कल्ले सी, आज अतवाद हैगा, माफिया हैगा, ऑर्गेनाइज क्राइम अलोंग विथ नारकोटिक्स ड्रग्स। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉकटेल ऑफ नार्को, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म। इतना दा हिस्सा हैगा। सब तो बड़ा इहदा उदाहरण जड़ा है, जड़ा सबूत मिलिया सानू लुधियाने जड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स च ब्लास्ट होया है। बट आई एम प्राउड टू से दैट दी पंजाब पुलिस टीम विद ईच एलिमेंट ऑफिसर्स, द लोकल पुलिस, द फोरेंसिक साइंस टीम विद द सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, साडे इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट्स, दे हैव डन एन एक्सलेंट जॉब। एंड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के विच विच अनरेवल किया इनू। द लुधियाना ब्लास्ट वॉज अ वेरी पावरफुल ब्लास्ट। वी वर ऑल वंडरिंग की गल है कि क्यों उत्थे जाके इन्ना पावरफुल ब्लास्ट, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट। द मेन थिंग इट टर्नड आउट फाइनली, मौके से सानू काफ़ी उत्थे लीड्स मिले ने। I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. Jive jive saadi investigation agge vaddi gayi, sanu yakeen ho gaya ki yes, that was the correct picture, what actually happened. What is important is within 24 hours we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was
FIR number 75 dated 11th of August 2019 under the NDPS Act, Gagandeep Singh. उस वेले ए थाना सदर दा मुंशी होंदा सी 385 ग्राम हीरोइन दे कोलों मिले इहदे नाल साथी सी इहदे अमनदीप एंड विकास जिन्हां कोलों 400 ग्राम हीरोइन होर मिलिया सी. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट प्रॉबली जेल दे विच इहदे जिन्हां नाल तालमेल होया ही ट्रांजिशन फ्रॉम जस्ट नारकोटिक्स टू माफिया टू ड्रग्स. नाउ दिस इज़ अ वेरी डेंजरस कॉम्बीनेशन जिहड़ा सामने साडे आया. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मेजर चैलेंज फॉर अस. बट हाउएवर इहदे नाल जिहड़े बंदे सी वी हैव ट्रैक्ड आउट फॉर रीजनस ऑफ द एक्सपीरियंसी कि साडी इन्वेस्टिगेशन गां निकले. मैं ज़्यादा कुछ नहीं दस सकता बट इन्हां दे लिंक्स जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड with Khalistani elements, which with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers. ए उभर के आया सामने. Please come and lay down your arms, surrender yourselves. Do not force us to do something जड़ा असी, क्योंकि असी बहुत सख्ती नाल निपटांगे. असी किसी नूं नहीं छड़ना. कोई भी वड्डा होए छोटा होए सानू कुछ नहीं है. जड़ा साडे स्टेट दा साडे पब्लिक दा साडे लोकां दा नुकसान करेगा साडे देश का नुकसान करेगा असी बहुत सख्ती नाल निपटांगे उन्हें नाल. आई विल नॉट टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ क्राइम और टेरर इन द स्टेट एंड माई फोर्स माई टीम स्टैंड बाई विथ मी. ਤਾਲੂਜਾਣਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ. ਤਾਂ ਅਮਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ. ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ. साफ तौर पर स्वाति और तुसी देखो कि जिन्ने लिंक ने जाए जेल दे अंदर, क्योंकि 2019 दे अंदर FIR नंबर 75 दे तहत जिहड़ा है वो इस गगनदीप दे उपर जिस वालों बंब उत्थे रख्या गया और जो बंब उत्थे ब्लास्ट होया तां उसकी पहचान हुई है और 2019 दे अंदर FIR भी उससे दर्ज हुई सी NDPS के एक्ट दे तहत. और उस तो बाद उस जेल दे अंदर भी रहा, जेल दे अंदर किन्हां नाल कनैक्शन बने, चाहे वह नैशनल लैवल ते इंटरनेशनल लैवल ते, क्योंकि कई कॉल डिटेल्स जिहड़ियां है वह कढ़ियां जा रही हैं. यह भी दस्या गया, जो सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं कि 9 to 11 उसी इंटरनेट कॉल जिहड़ी है वह भी उसकी भी जिहड़ी है शनाख्त हुई है, उस बारे भी पता लग्या है और अगे भी जांच जिहड़ी है वह जारी है. हालांकि DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय वालों कहा गया कि महज 7 to 10 दिन का समय होया कि उन्होंने चार संभालिया, लेकिन 3 वड्डियां घटनावां जिहड़ियां ने वो पंजाब दे अंदर हुई है, चाहे अंबरसर बेदबी की घटना जी हुई, उस तो बाद कपूरथले, फिर हूँ यह लुधियाने का बम ब्लास्ट. लेकिन इस बम ब्लास्ट को लेकर वड्डा दावा यह किया गया कि 24 घंटे के अंदर इसको सुलझा लिया गया और जो जो इस गगनदीप के नाल कनैक्टिड सके, क्योंकि ये मुंशी रे है मोहाली और खुद कॉन्सटेबल सीगा पंजाब पुलिस के अंदर, और यह भी DGP वालों दसया गया कि पुलिस विच रहिंदे होए टैक्नीकल साउंड सीगा, इन चीज़ों की नॉलेज टैक्नीकली चाहे कंप्यूटर की हो, इन चीज़ों की नॉलेज सीगी और उसका कितने ना कितने जिहड़ा है वो यूज़ मिसयूज़ एक तरीके से किया गया. और यह भी DGP वालों साफ तौर पर किया गया कि अगे जांच, क्योंकि मुढ़ली जांच यह सब कुछ पता लग गया कि उसकी 24 तरीक की जिहड़ी है वो पेशी उस कोर्ट के लुधियाना कोर्ट के अंदर सीगी और कोशिश यह सीगी कि बंब उत्थे जिहड़ा है वो सैटल किया जा रहा सीगा वॉशरूम के अंदर लुधियाना कोर्ट के, और उसको किसी प्लेस होर किया जाना सीगा और मंशा यह सी कि जिहड़ी पेशी है या केस बाबत जिहड़ा है उसनू टालिया जा सके, एक डर जिहड़े जजिज़ ने उन्हां दे मन च बनाया जा सके. और मुढ़ली जांच यह सब कुछ सामने है, अगे इंटरनेशनल खालिस्तान नाल या होर जिहड़े नारको टेररिज्म वाले ने उन्हां नाल की तालुकात ने, वह अगे की जांच जिहड़ा है वह DGP का कहना है पता लगेगा. साफ तौर पर जांच जिहड़ी है वह जारी है. और दूजे पासे अंबरसर बेब की भी जेकर गल की जाए जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब के अंदर हुई, तो उस बाबत भी जिहड़ा है किया जा रहा है कि अफसर की ड्यूटी जी लगाई गई है और रिपोर्ट उस मुतलक जल्द सौंपी जाएगी, उस बाबत भी जी कार्रवाई जिन्हें बनती है वह भी पहचान करके की जाएगी. स्वाति
बिल्कुल अमन जी, इस पूरे मामले ते नजर पाइए तो जिस तरह के नाल हुण अहम जानकारी अज टीजीपी वालों सांझा की गई है, ड्रग माफिया नाल कनैक्शन की गल कही गई है, इत्थे खालिस्तानी नैटवर्क का जिक्र किया गया। जाहिर तौर पर एक वड्डा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किवें यह शख्स एंटर हुंदा है कोर्ट के अंदर, कंपलैक्स के अंदर धमाका खेस समगरी लैके। तो मन्या जावे कि आने वाले समय में कई होर अहम खुलासे होंगे, ड्रग माफिया नूं लैके भी कई अहम खुलासे होंगे क्योंकि लगातार जांच जारी है। बिल्कुल स्वाति, हो रही क्योंकि डीजीपी वालों साफ तौर पर कह गया कि हुण तक दी मुढ़ली जांच ये सब कुछ पता लग गया है, और नारको टेररिज्म की गल है, पाकिस्तान नाल लिंक भी जिहड़ा है वो कच्चा दिताया गया कि साफ तौर पर एक क्ल्यू मिल रहे हैं, जो एविडेंस मिल रहे हैं उन्होंने पर ना तो किया जा सकता है कि खालिस्तान नाल पाकिस्तान नाल कितना कितने हाथ सेगा, और जेल के अंदर क्योंकि कोई ना कोई कनैक्शन जरूर बने से, और हर पहलू की जाँच जी है वो की जा रही है क्योंकि इस घटना 24 घंटे के अंदर डीजीपी दावा कर रहे हैं कि सुलझा लिता गया, लेकिन इस पिछे होर की कनेक्शंस ने उन्होंने भी जड़ी है वो साफ तौर पर जांच के अंदर देखा जा रहा है। और जितने तक आरडीएक्स की गल सी, क्योंकि वड्डा सवाल ये कि इस गगनदीप को आरडीएक्स आया किवें, कित्थे आया तो किवें लेके जाया गया अंदर, तो उसकी जांच लिए भी जोड़ा है वो आरडीएक्स सैंपल जोड़े हैं वो जांच लिए भेजे गए हैं, और इसकी भी जी है पूछगिछ की जा रही है। हालांकि गगनदीप के घर खन्ने अंदर जी है छापेमारी की गई, एक लैपटॉप कैश और वह बरामद किया गया, उसके भरा एक साथी नु जड़ा है वो भी हिरासत च लिता गया, उन्होंने तो भी पूछगिछ जड़ी है वो कीती जाएगी। लगातार जांच जारी है, आज डीजीपी वालों जानकारी भी सांझा की गई है। शुक्रिया अमन गलबात लई। लुधियाना ब्लास्ट मामले विच एक होर वड्डा अपडेट तुहानू दस दिए, पुलिस ने मृतक गगनदीप सिंह दी महिला साथी नू हिरासत विच लिया है। पंजाब पुलिस विच कांस्टेबल ते एसपी दी रीडर दसी जा रही है महिला, हिरासत विच लई गई महिला दे गगनदीप नाल संबंध दसे जा रहे ने। दस दिए कि एक वड्डा अपडेट होर सामने आया इस पूरे मामले विच, पुलिस ने मृतक गगनदीप सिंह दी महिला साथी नू हिरासत विच लिया है। पंजाब पुलिस विच कांस्टेबल ते एसपी दी रीडर दसी जा रही है महिला, हिरासत विच लई गई महिला ते गगनदीप नाल संबंध दसे जा रहे ने। ते फिलहाल क्योंकि हर पहलू तो जांच की जा रही है, अज डीजीपी वालों भी कई अहम गल्लां दा जिक्र किया गया, कहा गया कि 24 घंटिया विच एक केस जिहड़ा है सुलझाया गया है, ते मृतक गगनदीप की जो पछाण हुई है उस तो बाद लगातार जो ड्रग माफिया दे नाल कनैक्शन की गल सामने आई है, खालिस्तानी नेटवर्क के नाल गल सामने आई है कनैक्शन की, ते हुण एक होर अपडेट दर्शकों नूं दस दिए कि पुलिस ने मृतक गगनदीप सिंह की महिला साथी नूं हिरासत में लिया। इस तो पहला एनआईए वालों गगनदीप के घर विखे रेड भी की गई है, तो उसके भरा नूं भी हिरासत में लिया गया, उसके कुछ साथियों नूं भी पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया। तो एक होर हुण अपडेट इस पूरे मामले से यह है कि पुलिस ने मृतक गगनदीप सिंह की महिला साथी नूं हिरासत में लिया है। पंजाब पुलिस विच कांस्टेबल ते एसपी दी रीडर दसी जा रही है महिला, हिरासत विच लई गई महिला दे गगनदीप नाल संबंध दसे जा रहे ने। जिस तरह दे नाल जांच लगातार जा रही है, एक तो बाद एक होर अहम जानकारियां इस पूरे मामले विच सामने आ रही ने। मन्या जा रहा है कि आने वाले समय विच कई होर अहम खुलासे होंगे क्योंकि जिस तरह दे नाल ड्रग माफिया का जिक्र किया गया, खालिस्तानी नेटवर्क का जिक्र किया गया, ते हुण महिला साथी गगनदीप की हिरासत विच लई गई है।